ये फोर्ड फीगो 2012 मॉडल पेट्रोल है, और इसमें एक प्रॉब्लम है इंजन मिसिंग का। और ये प्रॉब्लम के पीछे बता रहे हैं कि दो तीन जगह दिखाया है, पर कहीं समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है और कहां से है। गाड़ी भी मेरे पास यूपी 78 देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी दूर से आई हुई है। स्टार्ट करो ज़रा। गाड़ी वाइब्रेट कर रही है बहुत ज़्यादा, और कैसे वाइब्रेट कर रही है आप ऐसे देखिए। समझ रहे हैं ना, ये कोई चीज फोकस कर रहे हैं। ये ऐसे वाइब्रेशन है जी गाड़ी के अंदर, मतलब बहुत बुरा वाइब्रेशन है। तो हमें कंफर्म करना है कि कौन सा सिलेंडर से मिसफायर कर रहा है। तो इसमें भी दो है, एक तो सिलेंडर का पता पड़ जाएगा, दूसरा कोई भी सिलेंडर का पता ही नहीं पड़ेगा। यानी कोई में भी कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कौन से सिलेंडर से मिसफायर है गाड़ी, ठीक है। तो हमको ये पता लगाना कि ये मिसफायर कौन से सिलेंडर से कर रहा है। खोलो जरा। तो अभी सबसे पहले इसका एयर फिल्टर खुलवा के कन्फर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी से भी कन्फर्म कर सकते हैं, चाहे इंजेक्टर निकाल के, ये आसान है तो इसको निकाल लो, ये आसान है तो इसको निकाल लो। अब स्टार्ट करो, एक एक निकाल के देखो कौन सा सिलेंडर मिसफायर कर रहा है, यानी गड़बड़ कर रहा है। स्टार्ट करो। ये यानी कि ये सिलेंडर काम कर रही है। बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसको लगा दो। बहुत बढ़िया, समझ गए जी। करो स्टार्ट। चलो निकालो उधर वाला, हाँ वही, ये वाला निकालो लास्ट ओवर। अरे वो हाँ, लगाओ। यानी कि काम कर रही है, दिखाओ जरा, दिखाओ। ऐसे निकाला जाता है ऊपर से पकड़ के, जब निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हिलने लग रहा है। यानी कोई एक और सिलेंडर काम करना बंद कर रहा है। यानी ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। अब तीसरा निकालो, हटाओ और ऊपर करो, हटाओ, हाँ लगाओ, लगा दो। यानी कि ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। चलो ये भी बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, उसको अलग रखो। तो कन्फर्म हो पाया कौन से सिलेंडर से मिसफायर है, हो पाया? नहीं हुआ, क्योंकि ये नहीं होता है ना तब मिस्त्रियों की मुसीबत बढ़ती है। मजा तो अब आएगा जब कन्फर्म ही नहीं हो पाया कि कौन से सिलेंडर से, फिर दोबारा हम कन्फर्म करेंगे एक एक सिलेंडर दोबारा से निकाल के। चलो स्टार्ट, अब एक एक करके जल्दी जल्दी निकाल के चेक करो। हाँ लगाओ, बस इधर लगा, निकालो, लगाओ, बस लगाओ, लगाओ। यानी इधर वाला निकालना, इधर वाला एक कोई, हाँ कोई भी एक निकालो, हाँ बस लगाओ। यहाँ से कन्फर्म नहीं हो पाया कि कौन से सिलेंडर से है। तो कई बार होता है कि कन्फर्म नहीं हो पाता, क्योंकि उस टाइम में इंजेक्टर सप्लाई दे रहा होता है। एक बार इंजेक्टर से अब निकाल के चेक करो। चलो अब चार नंबर निकालो, सबसे पहले लगाओ जरा, हाँ अब दो तीन नंबर निकालो, ये काम नहीं किया ना, लगाओ निकालो, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लगाओ, ये देखो कपलर बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ा है, लगाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, नेक्स्ट निकालो, लगाओ, बस
उसको निकालो। कोई नहीं फर्क पड़ रहा है, यानी कि एक नंबर में या तीन नंबर में कोई भी, तीन नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जो कि हम लोग प्लग वायर से निकाल रहे थे फर्क पड़ रहा था। थोड़ा मेरे को दिखाओ भी जरा, दिखे वहीं लगाओ। हाँ बैठाओ बढ़िया से, बैठ गया। हाँ। निकालो, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, लगाओ बस। इसमें नेक्स्ट निकालना इधर वाला। हाँ ये फर्क पड़ा, लगाओ बस, इधर निकालो ये, यानी कि दोनों सिलेंडर निकाल दो, ये भी निकाल दो वो भी निकालो ये। हाँ यानी कि दो सिलेंडर हमारा निकालने के बाद गाड़ी की कंडीशन ये रही, ठीक है। अब तुम देखो कौन कौन सा सिलेंडर निकाले हो, एक ए वाला निकाले हो, तीन नंबर और एक नंबर, तीन नंबर और एक नंबर निकाले हो, ठीक है। तीन नंबर और एक नंबर, यानी कि ये देखो एक नंबर और ये तीन नंबर, दो सिलेंडर निकल गया। अब देखो तीन नंबर का कौन सा, एक नंबर का कौन सा वायर है, ये निकालो अब। चलो करंट का ध्यान रखना। एक निकाल के पहले। हाँ 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 एक ही एक निकालो, अब निकालो इसे। समझ में आया कुछ कहानी, कि इसको निकाल रहे हैं तो मिसिंग बढ़ जा रही है, ठीक है। यानी कि ये ऐसा लग रहा है इसको निकालने से कि काम ही नहीं कर रहा, लेकिन इसको निकला हुआ है वो। हाँ। इसका मतलब कि एक सिलेंडर काम कर रहा है, जिसको निकाल रहे हो एक एक नंबर सिलेंडर ही तो है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक नंबर सिलेंडर काम कर रहा है। ये देखो एक नंबर सिलेंडर, वो एक नंबर, एक नंबर इसको निकाल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे काम कर रहा है। या फिर तीन नंबर कौन सा है, ए वाला तीन नंबर, यानी इसको और इसको दोनों को निकाल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है काम कर रहा है, लेकिन जो कि हमारे इंजेक्टर का करंट निकला हुआ है। ये पेट्रोल पे ही है, ऐसा नहीं है सीएनजी ऑफ है, सीएनजी ये सीएनजी पे नहीं है। ये देखिए यहाँ से ये इसको क्लोज कर दो, बंद कर दो, बंद कर दिया जी। कहीं सोचो कि सीएनजी पे, सीएनजी पे नहीं है गाड़ी, ये पेट्रोल पे है। अभी तीन नंबर और एक नंबर निकला हुआ है। अब क्या तुम लोगों को क्या लग रहा है, समझ में आया कहानी कि ये फॉल्ट क्यों मिस्त्री इस पे फेल हो रहे थे? समझ में नहीं आ रहा है। मजा तो तभी है जब कहानी फंसता चला जाए कि इंजेक्टर निकला हुआ है, गाड़ी चल रही है, ये निकाल रहे हो, दोनों निकालो दोबारा से निकालो। दिखाओ जरा, ये देखो एक नंबर निकला हुआ, ये देखो एक नंबर है, ठीक है जी, और एक नंबर का इंजेक्टर का तार निकला हुआ है। तभी भी गाड़ी ऐसा लग रहा है एक नंबर काम कर रहा है, क्यों भाई? अब आ जाएगा मजा, अब खोलो इंजेक्टर पूरा कंप्लीट रेल समेत निकालो, क्यों जी। हाँ जी आइए, कपलर यहाँ से निकाल दो ताकि हम फायरिंग चेक कर सके, कोई इंजेक्टर डायरेक्ट तो नहीं हो गया, कोई लीक तो नहीं हो गया। और उस पर भी नहीं हुआ तो मजा बढ़ता जा रहा है, उसके बाद से कुछ और होगा बताएंगे हम। इसको निकाल दो ये, अब तब उसके बाद से रेल खोलो फटाफट, इंजेक्टर को उल्टा करके देखना है। चारों इंजेक्टर के तार लगा दिए और इंजेक्टर भी बाहर निकाल ली। प्लग का कनेक्शन हमने क्या कर रखा है, कट कर रखा है, ठीक है जी। देखो प्लग का कनेक्शन निकला हुआ है, इसलिए क्योंकि आग वग लगने का चांसेज रहता है। अब सेल्फ मार के देखेंगे कि क्या चारों सही स्प्रे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो चलो सेल्फ लगाओ जरा। इस पे कसो, तो अभी इंजेक्टर दोबारा से कसवा दिए हैं। यानी एक नंबर और तीन नंबर हमारा सिलेंडर क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो सबसे पहले, ये वो बंद करो, स्पार्क प्लग खोल के चेक करवाओ तीनों के तीनों क्या कंडीशन है। एक नंबर तो ये है जी अंदर,
एक नंबर, दो नंबर या तीन नंबर, ठीक है जी, ये चार नंबर, ये है एक नंबर। अरे तेरी यार इतना बुरा कंडीशन कैसे हो सकता है यार, कुछ गत्ता होता रखो ताकि उस पर रखे। एक नंबर और तीन नंबर फेलियर था है, और एक नंबर तीन नंबर ही सबसे ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जल नहीं रहा है अंदर, ए और एक ए। जलेगा तो कैसा हो जाएगा? उजला। जलेगा तो उजला हो जाएगा, लेकिन नहीं जल रहा है तो कैसा हो रहा है? ब्लैक हो रहा है। जलेगा तो बीच का पॉइंट व्हाइट हो जाएगा, लेकिन सही नहीं जलेगा कंबर्शन तो काला पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। अभी सही नहीं हो रहा कंबर्शन, सही क्यों नहीं होता है? कंबर्शन किस किस कारण से खराब होता है? एक फ्यूल सही से एयर के साथ मिक्स ना हो, यानी इंजेक्टर कोई टपके, बूंद बूंद टपके तो, दूसरा कंप्रेसर ना बने तो, तीसरा हेड का वाल डाउन हो तो, चौथा पिस्टन का रिंग डाउन हो तो, है कि नहीं है? पांचवा ये स्पार्क प्लग ही डेड हो तो, इग्निशन कॉइल खराब हो तो, अब हमको क्या करना है? एक बार तीन नंबर और एक नंबर का करंट को कंफर्म करना है एक नंबर से कि करंट दे रही है कि नहीं। तो कौन कौन सा लगाओगे? ये सारे लाइन से लगा लो। एक नंबर का अर्थ दे के देखो इसमें करंट फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है। क्या चलो जी, चलो एक बार सेल्फ लगाओ, चलो जी सेल्फ लगाओ। बस रुक जाओ, चलो लाइट को ऑफ कर रहा हूँ, एक बार सेल्फ मारना मारो। बस यानी कि समझ रहे हो ना, यानी कि हमारे स्पार्क प्लग में करंट अच्छे तरीके से आ भी रहा है और डिलीवर भी कर रहा करंट। एक बार तीन नंबर का करंट और चेक करो, तीन नंबर का क्या है, ठीक है जी? तो ये चलो जी, एक आदमी सेल्फ लगाओ जरा, चलो अभी बीच में मैं लाइट भी बंद करूंगा क्योंकि करंट भी देखना है। चलो सेल्फ लगाओ, लाइट बंद कर दो। बस यानी कि ये दो नंबर का मैं चेक कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या दो नंबर और एक नंबर सेम है, तो बिल्कुल सेम है। चलो अब तीन नंबर चेक करो, एक सेकंड, तीन नंबर है ना? हाँ। अब चलो स्टार्ट, तीन नंबर लगाया मैंने, स्टार्ट करो। ए लाइट हटाओ तुम। बस यानी कि तीन नंबर भी हमारा स्पार्क जो है ना बहुत बढ़िया कर रहा है, यानी कि करंट का कोई इशू नहीं है, इंजेक्टर का कोई इशू नहीं है, इंजेक्टर स्प्रे मार रहा है बढ़िया और कोई भी इंजेक्टर लीक नहीं है, क्योंकि जब भी हम स्विच ऑन करते हैं प्रेशर आता है और कोई इंजेक्टर लीक रहेगा तो क्या होगा, वो टपकेगा, तो जिसकी वजह से ये कंप्रेसर आपका बनेगा। मिसिंग अभी है और ये देखो कपलर निकाल रखा है, लगाओ जरा ये वाला कपलर, एक नंबर का, एक नंबर और तीन नंबर लगा हुआ है, लगा दो। कपलर लगाने के बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी एक नंबर तीन नंबर हमारा सिलेंडर क्या है, फेल है। और इसके अंदर क्या कन्फर्म हो रहा है, इसके हेड के अंदर कमी है, वाल की कमी हो सकती है, पिस्टन रिंग की भी कमी हो सकती है। तो पिस्टन रिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेस दे के धुआं चेक करना पड़ेगा, ये डाउन तो नहीं है। पहले एक बार रेस दो, हाँ दो, दो, बस। अब ये चेक करेंगे हम कि धुआं तो नहीं दे रही है गाड़ी, बस 92,284 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी ये, और इसके हेड में कमी है, ऐसे हम कन्फर्म कर सकते हैं, ना इंजेक्टर खराब है ना इंजेक्टर की सप्लाई गड़बड़ है, क्योंकि वायरिंग भी नहीं कह सकते क्योंकि इसको लगाया था तो इंजेक्टर स्प्रे कर रहा था, तो इसको भी नहीं कर सकते, ये सारे करंट दे ही रहा है और प्लग काले निकल रहे हैं, तो इसका मतलब हेड में कमी है, इसको हेड को उतार लो, ठीक है? तो ठीक है, बंद कर दो, हेड उतारो, उसको आप देखेंगे इसकी क्या कहानी है, इसीलिए मैकेनिक फेंक रहे थे। और तुम्हारा एक कंसेप्ट अभी डिले रह रहा है कि एक इंजेक्टर का तार निकालने के बाद भी क्यों ये सिलेंडर चालू काम कर रहा था, क्यों नहीं बंद हो जा रहा था वो सिलेंडर, ठीक है? वो हम क्लियर करेंगे उस कंसेप्ट को भी। चलो हेड खोलो। अब मजे की बात देखो, मैं थोड़ा आया हूँ इस वर्कशॉप पे, नाइट का टाइम था, जो दूसरे वर्कशॉप पे हम कर रहे थे, हम कहा चलो चेक कर लिए अब हेड में पंगा, हेड यहाँ आए तो देखे सुबह सुबह बखेर के भेज भी दिए हैं हेड को,
और ये साफ भी कर दिए, मजे की बात ये है कि ये साफ भी कर दिए हैं, तो अब हेड आ जाएगा तो उसका फोटो भी बस दिखा देंगे और क्या। ये मेरे को पता नहीं था इतना जल्द। कितने बजे सुबह खोल दिए थे? 9:30 तक खोल दिए थे। अरे क्या बात है भाई, क्या बहुत फास्ट मामला है। इंटेक मैनिफोल्ड दिखाओ जरा इसके, कहाँ है भाई? इधर इंटेक मैनिफोल्ड सब धुलाई उलाई करके, ये देखो कितना गजब का, ये सारे सामान धुलाई उलाई करके बाप। ठीक है फिर तो, फिर मेरा तो मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा यार। अरे क्या बात है यार, तो धुलाई उलाई करके सब रेडी कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये है भैया, नहीं फॉल्ट था, मेरे को बताया कि फॉल्ट था और खराब पे भिजवा भी दिए हैं, तो फॉल्ट मिलना ज़रूरी है। यदि फॉल्ट नहीं मिलता है ना तब तक दिक्कत है, यदि फॉल्ट मिल जाता है, हमने बता दिया वो आइटम जो फेल था खराब था वो डाल देंगे, गाड़ी सेट हो जाएगी, बस और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बाकी मैं फिर भी कवर कर लूँगा थोड़ा बहुत यदि समय से रहा तो। यही तो परेशानी यार हमारे में यार, साला वीडियो इस कारण से पूरा कंप्लीट नहीं बन पा रहा है। किधर किधर रहना होगा ना हर बार, है कि नहीं? चलो चलन दो। तभी भैया हेड का काम हो गया पूरा, हेड आ गया खराब से, देख रहे हैं ना, इसमें फेस भी करवा दिए हमने और वाल भी डलवा दिए हमने, क्योंकि लफड़ा लेना नहीं है बिल्कुल, एक बार काम करके दो टेंशन फ्री कई कई सालों तक का, है कि नहीं है? तो ये इसमें दो सिलेंडर में गड़बड़ हो रहा था मामला, और वो जल ही नहीं रहा था, ठीक है, पेट्रोल ही सही से नहीं जल रहा था, जिसकी वजह से वो मिस फायर कर रही थी बहुत बुरी तरीके से, कम्बर्शन ही अच्छा नहीं हो रहा था इसका। और सामान तो इधर सारे हमने धो ही लिए हैं टोटल A to Z, ठीक है जी, अभी और धोना है। ओरिजिनल गैस किट लगा रहे हैं, इसका रेफर कहाँ है गैस किट का? ये अच्छा इसी में डाल दिए, उठाओ जरा रेफर, ओरिजिनल पार्ट यूज कर रहे हैं ये देखिए, ठीक है ना, तो पार्ट ओरिजिनल डालेंगे तो इसकी लॉन्ग लाइफ जो है पार्ट की अच्छी रहेगी। ये रहा ओरिजिनल पार्ट, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, तो ये फोर्ड की है। हाँ अब इधर घूंघट इसका भी हटा दें, साफ सफाई रेगमार उगमार तो मार लिए थे, अब थोड़ा और साफ सफाई करके अब इसे फिट करेंगे, ठीक है जी। टाइमिंग बेल्ट की क्या कहानी है, टाइमिंग बेल्ट तो ठीक है, चलो तो इसे फिट फाट करते हैं, मिलते हैं फिटिंग के बाद। भाई किसी ने जो है ना, मुझे लग रहा है ज़्यादा ही लोकल कूलेंट डाल दिए हैं, है कि नहीं है? ये देख रहे हो पाइपों में भी जम जम रहा है पूरा, ये यहाँ गिर रहा है बुरा दे, लोकल कूलेंट बहुत बुरा होता है, ठीक है। तब इसे फिट फाट करते हैं यार, सारा सब रेडी है जी सामान वामान, हेड वेड फिट कर दिए काफ़ी हद तक, ठीक है जी। अभी टाइपिट कवर लगाना रह गया है, ये देखो जी ऑयल फिल्टर ओरिजिनल हम डाल देते हैं फोर्ड का, ये स्पार्क प्लग ओरिजिनल फोर्ड का, कैसे जानोगे फोर्ड है? सादा सादा फोर्ड तो लिखा नहीं है, तो आप कहोगे यार फोर्ड लिखा नहीं है तो कैसे है? ये फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देख रहे हो ना, ये होता है ओरिजिनल की पहचान। और दूसरी सेकेंड और कन्फर्म करेंगे कि जो माल है, ये देखो मोटर क्राफ्ट देख रहे हो ना भाई साहब, जैनवन का ही ये निशानी है, जैनवन में ही आता है माल, तो ये हम फोर्ड का ओरिजिनल स्पार्क प्लग डालते हैं, ठीक है, ओरिजिनल स्पार्क एयर फिल्टर फोर्ड का ये डाल देते हैं। टैपिट कवर अभी साफ कर रहे हैं, क्योंकि पैकिंग हम बदल के इसमें टैपिट कवर में लगाएंगे, ठीक है जी, जब तक ये फिटिंग चल रही है। अभी गाड़ी तो बना दी बहुत बेहतरीन, हेड के वाल वॉल का काम करवा दिए, अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, कूलेंट वूलेंट अभी डालेंगे पूरा करेंगे, पावर स्टीयरिंग ऑयल भी बदलेंगे इसका, अभी तो पूरा है। स्विच ऑन करो भाई, स्टार्ट, गाड़ी होना ही था। बेल्ट आवाज कर रहा कोई? ची 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 ची, थोड़ा पानी लिया ना बोतल में, बेल्ट आवाज कर रहा भाई, भाई साहब थोड़ा भी हंटिंग नहीं है, आवाज सुनो, बाकी गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है।
देख रहे हो बोतल भी बिल्कुल स्मूथ। वह तो बोतल वैसे रख लिया मैंने। अभी बंद करके देखेंगे, बाकी गाड़ी स्मूथ हो गई। फॉल्ट समझ गए ना, डायग्नोसिस आपका अच्छा होना चाहिए बस। डायग्नोसिस बढ़िया है तो कोई भी फॉल्ट फालतू के नहीं जाएंगे। डायग्नोसिस गड़बड़ हुआ तो रूट चेंज होते चले जाएंगे, फिर गाड़ी के अंदर बहुत कमी हो जाएगी। अभी आवाज़ साइलेंट कर दे तो पता ही नहीं पड़ेगी गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं। इतना स्मूथ हो गई गाड़ी की। एकदम साइलेंट हो गया, बिल्कुल बढ़िया वाला साइलेंट। अब फॉल्ट कहाँ थी? हेड में फॉल्ट था, इसीलिए मैकेनिक कई सारे घूम रहे थे, इसीलिए दूर से गाड़ी आई है, देख सकते हैं आप। क्योंकि जब सही डायग्नोसिस नहीं होगा ना तो भैया वो कहानी फेल होती चली जाएगी, ये चीज़ मैंने देखा है। जैक उठा के देखो जरा, आवाज़ क्यों किस लिए कर रही है, बेल्ट क्यों चिर 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 कर रहा है। बेल्ट का देखेंगे बाद में, पहले एक बार रोड टेस्ट लेते हैं। गाड़ी बहुत ही स्मूथ हो गई, साइलेंट हो गई, पता ही नहीं पड़ रही है ना। तो पहले घड़घड़ 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 घड़घड़, कभी इंजेक्टर, कभी स्पार्क प्लग, कभी क्या कभी क्या, फॉल्ट कहाँ साथ कहाँ था और कहाँ क्या क्या चेक हो रही थी। चला के देखते हैं। भाई गाड़ी तो भाई पता ही नहीं पड़ रही है कि स्टार्ट है, लेकिन हालांकि स्टार्ट कर रखा है मैंने अभी। अभी जैक वैक डाउन करेंगे, देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी दिक्कत पता ही नहीं पड़ रही है। ये देखें जरा, कोई मीटर में चेक लाइट, किसी तरह का कोई चेक लैंप, चेक लैंप तो नहीं है कोई भी। भाई साहब गाड़ी भगाने का मजा ही अब आ रहा है कि नहीं है। अरे क्या बात है यार, गाड़ी भगाने का जो मजा है ना अभी है सच में। कोई चेक इंजन लाइट नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था ना, इंजन मिसफायर करता था। अब मिसफायर करने के दौरान हर आदमी चाहता है कि यार फोर्ड की गाड़ियों में हाथ ना डालें। ऐसा नहीं है कि एक पकड़ा नहीं जाएगा, मैं ही अकेला इस नोएडा में हूँ कि मैं पकड़ ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं, कोई ज़्यादा हाथ डालता नहीं है। चलो डाल भी लिया तो आदमी ऊपर झापर ही चेक करता है, चलिए यार यार ले जाओ कंपनी। बात ये नहीं है, बात ये है सही डायग्नोसिस का। आप देखो गाड़ी में मजा ही आ रहा है, ये देखो भगाने का मजा ही अब है, क्योंकि मिसफायर नहीं है। अब पहले मिसफायर करती थी ना तो गाड़ी फिर चलती नहीं थी, मजा ही नहीं आता था चलाने में, दिल करता था बस यार। अब नहीं, बिल्कुल भी चलने को तैयारी नहीं थी। अब क्या करें, है कि नहीं है। क्या बात है जी, धड़म 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 इसकी ऐसी तैसी। मैं कह रहा हूँ क्या हो गया यार गाड़ी में यार ऐसा। और मिसफायर भी बड़ी बड़ी अजीब थी इसमें क्योंकि कंफ्यूजन करने वाली मिसफायर था, तो आदमी फेल ही होता चला जाएगा, है कि नहीं है। बाकी गाड़ी किया, दिल खुश हो गया, बहुत ही अच्छी गाड़ी हो गई। जाने क्या कहे इसमें, सब गड़ 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 पटाखे और मारती थी, अजीब अजीब हरकतें इसकी, चलने को तैयार नहीं गाड़ी, रो रो के चल रही थी गाड़ी, ऐसा लग रहा था पहले दूसरे में चल रही है। अब देखो गाड़ी बहुत प्यार से चला रहा हूँ, अब फन टू ड्राइव भी आप ऐसे कर सकते हो आराम आराम से, बिल्कुल ही नो टेंशन, देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्मूथली। हालांकि हमारे तो अभी रास्ता नहीं मिल रहा सही से, क्योंकि थोड़ा ही जगह के बाद से फिर। पर भाई साहब गाड़ी में मजा काट दिया गाड़ी ने, अब कह सकते हैं गाड़ी टनाटन हो गई। जब एक्सीलेटर हल्का हो जाता है ना तो समझ जाना है कि गाड़ी बिल्कुल सेट हो गई जी। लेकिन जब तक एक्सीलेटर हल्का नहीं होता है, मतलब ज़्यादा खींचना पड़ता है, हार्ड एक्सीलेशन है, तो समझ जाना गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ पंगा है। चाहे चेक इंजन लाइट जो आ रही थी वो आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ पंगा है। अभी तो कोई चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रही है ना, बिल्कुल सेट है मामला। अरे हाय क्या बात है जी, क्या बात है, दिल खुश हो गया। एक बेल्ट की रहेगी चीर 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 की, एक पावर स्टीयरिंग ऑयल बदलना है, तो मैंने मंगाया अभी पावर स्टीयरिंग ऑयल, लड़का गया लेने के लिए पावर स्टीयरिंग ऑयल। हालांकि कस्टमर के रिक्वायर पे बदल रहे हैं, कस्टमर ने बोले हैं कि पावर स्टीयरिंग ऑयल भी भैया बदल देना, तो जो बोले हैं तो भाई करने में फायदा ही है ना, कर ही लेना चाहिए।
क्यों कस्टमर का रिक्वायर है कि नहीं। बाकी अपने तरफ से भाई साहब गाड़ी धुआं निकाल रही है, ये तेरी यार रोड नहीं है, 40 वाला रोड है, 60 लेके चल रहा हूँ, अब मजबूरी है क्या करेंगे। वो गाड़ी भाग ही रही है ना, गाड़ी खुद कह रही है भाई मेरे को भगाओ, मेरे को खींचो, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं जब रोड ही नहीं है। ऐसा रोड है, थोड़ा दूर है, लेकिन अभी यहाँ नहीं है। तो भाई गाड़ी दिल खुश हुआ, मज़ा आ गया गाड़ी में, जो काम किए फॉल्ट उसी का था, अन्यथा हमने और कोई भी एक्स्ट्रा काम हमने नहीं किया सिवाय उसके। चला के लेके आए हैं, लीकेज को टेस्ट करा रहे हैं, कोई लीकेज वीकेज तो नहीं है। गाड़ी स्मूथ हो गई, जो कहते हैं बिल्कुल जीरो जीरो, तो वो स्मूथ हो गई गाड़ी, देख सकते हैं आपके सामने ही है, चलाया फिराया है, फैन वैन भी सब बिल्कुल जीरो जीरो है, अच्छी हो गई गाड़ी। आवाज़ भी सुन लीजिए, आवाज़ भी साइलेंट है, गाड़ी हो गई बढ़िया। अब इस गाड़ी को करते हैं फाइनल, ठीक है। बाकी कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं राय दे के, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए चाहे किसी तरह का, और कुछ नॉलेज चाहिए तो उसको भी बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम। ब्रेक ऑयल को बदल रहे हैं, देख रहे हैं ना ब्रेक ऑयल, तो ये ब्रेक ऑयल चूँकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो फिर इस ब्रेक ऑयल को बदल देते हैं, और पावर स्टीयरिंग ऑयल को भी बदलेंगे। ये पावर स्टीयरिंग ऑयल भी हमने मंगाए हैं, ठीक है। अभी ब्रेक ऑयल को ही निकाल रहे हैं, बूंद बूंद निकल रहा है, देख रहे हैं। गाड़ी फाइनल हो गई है, सर ने चला भी लिया। आपने पूरा कितना चलाया अभी? 10-20 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चला लिए। तो अब कैसी है? बिल्कुल बेहतरीन, जिस हिसाब से आए थे जिस लिए आए थे वो सार्थक हो गया। और पास में आओ थोड़ा सा, कहाँ से आए हैं? आगरा से। आगरा से आए हैं, तो कैसा लगा चला के? मस्त मस्त बढ़िया। और ये कहाँ कहाँ दिखाए थे? जो मैंने आगरा में ही दिखाया था, तो इसका कॉइल चेंज करवाया था, और उसका प्लग भी इंजेक्टर भी क्लीन करवा दिए थे मशीन में चढ़वा के। अच्छा, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ठीक। फिर आपसे संपर्क किए, दिसंबर में किया मैंने संपर्क। क्या बात है, क्या बात। दिसंबर से फिर जनवरी हुई, जनवरी के बाद फिर फरवरी हुई। अरे वो तो है। अच्छा, कितना टाइम लगा दिए ये सब काम चेक चेक करने कूदने में, मतलब ये लोग मैकेनिक लोग? मैं पिछले सैटरडे को दे गया था। अच्छा, आज संडे है। ठीक है, एक हफ्ते में गाड़ी तैयार हो गई। चलिए बढ़िया है, तो कस्टमर फीडबैक था। ठीक है, राम राम।